आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पेटीएम ऐप से एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की मदद से मोबाइल रिचार्ज कैसे कर सकते हैं, राइट? यानी कि आपका जो ऐप है पेटीएम ऐप, इससे आप मोबाइल रिचार्ज करेंगे और साथ ही आप जो पेमेंट करेंगे वो आप अपने एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो आपको बिल्कुल लास्ट तक देखना है तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, यहाँ पे रिचार्ज कर पाएंगे आप आसानी से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पेटीएम ऐप यहाँ पे आप ओपन कर लेंगे। यदि आपके मोबाइल में पेटीएम ऐप नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पेटीएम ऐप का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप पेटीएम को यहाँ पे डाउनलोड करके और सिंपली अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा पेटीएम में। उसके बाद आपको पेटीएम ऐप ओपन कर लेना है और ओपन करके जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे एक मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको मोबाइल रिचार्ज वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मोबाइल रिचार्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर टाइप कर दें जिस नंबर पे आप यहाँ पे रिचार्ज करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आप मोबाइल नंबर टाइप करेंगे जिस मोबाइल नंबर पे आप रिचार्ज करना चाहते हैं। यदि मोबाइल नंबर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव है तो आप इस वाले आइकॉन पे क्लिक करके अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट से भी मोबाइल नंबर ले सकते हैं, राइट? और आप जैसे ही यहाँ पे मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको नीचे प्लान सेलेक्ट कर लेना है कि आप कितने रुपए से रिचार्ज करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको पॉपुलर प्लान में काफ़ी सारे प्लान मिल जाएंगे। यहाँ पे स्मार्टफोन पे क्लिक करके आपको और भी प्लान मिल जाएंगे। यदि आप ओनली डाटा से रिचार्ज करना चाहते हैं तो डाटा एड ऑन पे क्लिक करेंगे तो डाटा वाले प्लान मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हम स्मार्टफोन वाले प्लान देख लेते हैं। स्क्रॉल करते जाएंगे, यहाँ पे जो भी हमको प्लान पसंद आएगा उससे रिचार्ज करेंगे। जैसे 239 रुपये वाला ये प्लान है, इसमें हमको 28 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। 28 दिन तक ये चलेगा और यहाँ पे 1.5 GB डाटा पर डे मिलेगा, 100 SMS पर डे मिलेंगे। ऐसे करके ये जो प्लान है इससे हम रिचार्ज करेंगे, इसकी ये फैसिलिटी है, आप इस टाइप से पढ़ सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे रिचार्ज करने के लिए और यहाँ पे आपको नीचे प्रोसीड टू पे पे एक बार और क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब यहाँ पे आपके सामने पेमेंट मेथड आ जाएंगे कि आप अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से, नेट बैंकिंग से। यहाँ पे डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन भी है। इसी ऑप्शन से आप अपने एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड तीनों कार्डों से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, राइट? आपका मतलब किसी भी प्रकार का कार्ड हो आप यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे। तो हम अपने यहाँ पे एटीएम कार्ड से पेमेंट करेंगे। एटीएम कार्ड से पेमेंट करने के लिए इस पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पे। अब फर्स्ट में आप अपना कार्ड नंबर डाल दें जो कि आपको कार्ड के ऊपर लिखा मिल जाएगा, ये काफ़ी बड़ा नंबर रहता है। और यहाँ पे आप कार्ड की एक्सपायरी डाल दें जो कि आपको कार्ड के ऊपर लिखी रहेगी, महीने में और ईयर में। तो वो आप यहाँ पे एक्सपायरी डाल दें कार्ड की और CVV डाल दें, ये कार्ड के पीछे लिखा रहता है CVV। और यहाँ पे पे क्लिक कर दें आप सिंपली। अब यहाँ पे जैसे ही आप कार्ड डिटेल डालेंगे तो आपके सामने ये लिखा आ सकता है यहाँ पे, सेव माय कार्ड फॉर फ्यूचर पेमेंट्स। अब यहाँ पे यदि आप इसको टिक कर देते हैं इस टाइप से तो आपका ये कार्ड सेव हो जाएगा पेटीएम में। अब आप इसे नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा रिचार्ज करेंगे तो आपको कार्ड की सारी डिटेल नहीं डालनी पड़ेगी, ओनली CVV नंबर डालना पड़ेगा और आपको OTP डालना पड़ेगा, आपका पेमेंट हो जाया करेगा। या आप इसे ऐसा भी छोड़ सकते हैं तो ये आपके कार्ड को सेव नहीं करेगा। जब आप नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा से पेमेंट करेंगे तो दोबारा आपको कार्ड की डिटेल डालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और लिखी देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म फीस। अब यहाँ पे 1 रुपये 10 पैसे ये प्लेटफॉर्म फीस ले रहा है। पहले ये फ्री था लेकिन अभी ये रिसेंटली कुछ 1-2 रुपये लेता है आपके रिचार्ज करने पर, तो ये चार्ज भी लेता है। आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख लें। इसके बाद में आप यहाँ पे पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे प्रोसीड टू सेंड SMS पे क्लिक कर दें। ये आपके मोबाइल नंबर पे SMS सेंड करके यहाँ पे वेरीफाई करेगा आपके कार्ड को, और ये वेरीफाई उस वाले मोबाइल नंबर से करेगा जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक होगा। यानी कि जिस बैंक अकाउंट का आपका कार्ड है उस बैंक अकाउंट से आपका जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी नंबर पे SMS सेंड करके ये OTP से वेरीफाई करता है, राइट? तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपके सामने दोबारा आ जाएगा। अब यहाँ पे सेव इट लेटर पे हम दोबारा यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हमारा रिचार्ज सक्सेसफुली हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसने हमारे मोबाइल नंबर पे SMS सेंड करके ये OTP सेंड किया और इसको ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया। यदि आपके दूसरे मोबाइल में है यहाँ पे वो नंबर तो आप यहाँ पे उससे OTP ला के यहाँ पे डाल सकते हैं और पे सिक्योरली पे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे और आपका रिचार्ज सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इस टाइप से आप अपने पेटीएम ऐप से मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड से पेमेंट करके। आई होप इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। यदि इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।